Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. So, continue करेंगे with our current affairs lecture और इसमें हम मार्च के जो remaining current affairs है उसको हम यहाँ पे cover करेंगे. I hope you have been preparing for your upcoming examination. और एक नोट मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे current affairs में जो recently STI की exam हुई थी on 7th of March, तो काफ़ी सारे क्लास में करवाए हुए ऑनलाइन लेक्चर्स में करवाए हुए सीधे सीधे क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स आपको पूछे गए थे, राइट? तो चलिए, इसी के लिए इट इज़ अवर रिकमेंडेशन कि आप जो ऑल प्रीवियस लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उसको आप एक बार अपनी नोट में अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए, ताकि अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो वो क्लियर करवाया जा सके. आज का जो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज. तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है और उसको नाम दिया गया है मैत्री ब्रिज. ये जो ब्रिज है वो फेनी नदी पर बनाया जाएगा और ये भारत के दो भारत और बांग्लादेश के जो दो शहर हैं उनको जोड़ेगा. इंडियन साइड से सबरूम जो कि है त्रिपुरा में, उसको जोड़ा जाएगा रामगढ़ जो कि है बांग्लादेश में. सो रिसेंटली दी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज इन त्रिपुराज साउथ डिस्ट्रिक्ट. और ये आपका देखिए, दिस इज़ दी बांग्लादेश बॉर्डर, जो आपका रेड वाला जो दिख रहा है आपको, दैट इज़ दी बांग्लादेश बॉर्डर. और ये है फेनी रिवर, तो फेनी रिवर के ऊपर का ये ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा. क्या क्या इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, सो द ब्रिज हैज़ बीन called Maitri Setu has been built over the Feni River which flows between Indian boundary in Tripura state and Bangladesh. Feni River originates in the South Tripura district. The river passes through the Sabrum town on the Indian side and meets the Bay of Bengal after it flows into Bangladesh. तो त्रिपुरा से निकल कर बांग्लादेश से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल को मिलती है. ये आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हो गया. The 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज joins सबरूम इन त्रिपुरा विथ रामगढ़ इन बांग्लादेश. तो ये जो 1.9 किलोमीटर जो क्रॉस बॉर्डर ब्रिज है वो त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ेगा बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ. The name मैत्री सेतु symbolizes growing bilateral relations and friendly ties between India and बांग्लादेश. तो पिछले कई सालों से ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन हमेशा अच्छे रहे हैं और क्योंकि नई गवर्नमेंट है वो नेबरिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा वेटेज दे रहा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो इसके चलते बांग्लादेश के साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशन थे, जो बॉर्डर रिलेशंस है, जो बायलैटरल रिलेशन है, वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं. द कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट क्या है इसका, सो द कंस्ट्रक्शन वॉज टेकन अप बाई द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडिया की एजेंसी है, एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹133 करोड़. ओके, द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विच इज़ नोन एज NHIDCL इज़ अ फुल्ली ओन्ड कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसका पूरा कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेयर किया है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज एंड स्ट्रेटेजिक रोड्स ऑफ इंडिया. तो ये जो मैत्री सेतु बनाया गया है, इट विल कम अंडर स्ट्रेटेजिक रोड्स ऑफ इंडिया. सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, सो नाउ अगरतला विच इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा विल बिकम द नियरेस्ट सिटी टू एन इंटरनेशनल सी पोर्ट इन इंडिया. ओके, तो अब ये बन चुका है नियरेस्ट सी पोर्ट के नज़दीक बन चुका है अगरतला. त्रिपुरा विल बिकम द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट विथ एक्सेस टू चित्तागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश विच इज़ जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम सबरूम. तो देखिए, इस ब्रिज के बनने से जितना फ़ायदा बांग्लादेश को होगा उससे कई ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होने की आशा जताई जा रही है. क्यों? क्योंकि जो भी कंसाइनमेंट आएंगे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के, वो सारे अब नॉर्थ ईस्ट में ईजिली कम कॉस्ट में पहुँचाए जाएंगे. बांग्लादेश एंड इंडिया हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल ऑन ट्रांजिट एंड ट्रेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज. और इनलैंड वाटरवेज को भी किस तरीके से कंसाइनमेंट को एक देश से दूसरे देश में लाया जाएगा, उसके लिए हमारी जो
पॉलिसीज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, दैट इज़ अ सेटअप पॉलिसीज, वो ऑलरेडी सेटअप उसका हमारे पास है, तो हमें ये नई प्रोसेस को लाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है. इट वुड सर्व एज अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर बिटवीन द टू कंट्रीज, हेल्पिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू ग्रो. इट विल ऑल्सो एनहांस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. तो देखिए, जब ऐसा कोई ब्रिज बनता है क्रॉस बॉर्डर, तो लॉजिस्टिक की जो भी इश्यूज आ रहे थे अब तक, वो रिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ऑल्सो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा. और जब बांग्लादेश के साथ ट्रेड बढ़ेगा, तो वहाँ की लोकल चीज़ें सबसे ज़्यादा पहले बांग्लादेश में पहुँचेगी, और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ हमें दिख रहा है. ओके, तो ये आपको, ये ऑलरेडी ये सवाल एसटीए की एग्ज़ाम में पूछा गया है. जीपीएससी की आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपको ये मैत्री सेतु ध्यान में रखना है. और जो कौन से स्टेट्स है जो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको एक बार जस्ट होमवर्क में देखना है इंडिया की ज्योग्राफी में. ओके, कि और कौन से इंडियन स्टेट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बांग्लादेश. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो हमारी डिफेंस स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा हुआ है. और वो न्यूज़ ये है कि INS करंज, जो कि एक सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की, उसको रिसेंटली इंडियन नेवी में ऐड किया गया है. नाउ व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट INS करंज? सो रिसेंटली इंडियन नेवीज़ थर्ड स्टिल्थ स्कॉर्पियन क्लास, और स्कॉर्पियन क्लास क्या है, तो हमारा एक प्रोजेक्ट 75 हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. सो उस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, अंडर दैट प्रोजेक्ट 75, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई गई है. और उस सबमरीन INS करंज को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन कर दिया गया है, उसको इंडियन नेवी में ऐड कर दिया गया है. नाउ व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस सबमरीन? तो इस सबमरीन की खासियत ये है, इसकी लाक्षणिकता ये है, इसकी यूनिकनेस ये है कि अगर ये दुश्मनों के रडार में भी होगी, तो दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसको सेंस नहीं कर पाएंगे, तो हमारी सिक्योरिटी, जो हमारी पेट्रोलिंग करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो गई है, बढ़ गई है. वो दुश्मनों के रडार पे काम नहीं करेगी. सो द प्रीवियस INS करंज, अ रशियन ओरिजिन सबमरीन, वॉज कमीशन इन 1969 एट रीगा इन द अर्स्टवाइल USSR. इट हैड सर्व्ड द नेशन फॉर 34 ईयर्स अप टू 2003. The new INS Karanj would from part of the Western Naval Command's submarine fleet. The ship's name Karanj is believed to be derived from the Karanja Island, also known as Uran Island, a town in Raigad district which lies in the southeast of Mumbai Harbour. तो Karanja Island के ऊपर से इसका नाम INS Karanj दिया गया है, ऐसा हमारा मानना है. The Indian Navy has its base at Uran near Navi Mumbai. तो जो इंडियन नेवी का जो बेस है, वो भी उरान के नज़दीक है, तो उसी की वजह से उसको INS करंज नाम दिया गया है. प्रोजेक्ट 75 क्या है? सो इट इज़ अ प्रोग्राम बाय इंडियन नेवी दैट एंटेल्स बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन. और ये 6 में से 5 का जो कंस्ट्रक्शन था, जो बिल्डिंग था, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, वो ऑलरेडी इंडियन नेवी में इंक्लूड कर दी गई है. It is given support, meaning Project 75 is given support by the Department of Defense Production, which works under the Ministry of Defense and Indian Navy throughout its various phases of construction. The Mazgaon Dock Limited is manufacturing 6 Scorpion submarines with technology assisted from Naval Group of France under the $3.75 billion deal signed in October 2005. तो तब से लेकर अब तक हमको 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बिल्ड करना था. मजगांव डॉक लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड्स एंड ओनली सबमरीन बिल्डर इन इंडिया. तो ये हमारे लिए अंडरलाइंड नोट होनी चाहिए कि विच इज़ द ओनली सबमरीन बिल्डर इन इंडिया. तो आपका जवाब होना चाहिए मजगांव डॉक लिमिटेड. की पॉइंट्स क्या है INS करंज के बारे में और प्रोजेक्ट 75 के बारे में? सो 2 सबमरीन्स, कलवरी एंड खंडेरी, हैव बीन कमीशनड इन टू द इंडियन नेवी. तो 2 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है, विच इज़ कलवरी एंड खंडेरी, उनको ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है. द 4th स्कॉर्पियन वेला हैज़
कमेंस्ड इट्स सी ट्रायल्स, तो वेला ने ऑलरेडी सी ट्रायल स्टार्ट कर दिए है. द फिफ्थ वगीर वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड इन नवंबर 2020. द सिक्स्थ एंड द लास्ट सबमरीन वागशीर इज बीइंग रेडीड फॉर बूट टू गेदर. तो ये भी आने वाले थोड़े टाइम में क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी. और थर्ड कौन सी है जो हमने पढ़ी, INS करंज ऑल्सो. तो ये छः के छः नाम आपको याद रखने हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वागशीर. थर्ड वन इज दी जो हम जिसके बारे में अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, INS करंज. तो ये छः स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऐड की गई है या आने वाले कुछ नज़दीक के भविष्य में ऐड की जाएगी इन द इंडियन नेवी. नाउ व्हाट इज़ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन. सो द सबमरीन्स इन द प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास आर पावर्ड बाय डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम. तो उनमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम लगा होगा. स्कॉर्पियन इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग मल्टीफेरियस मिशंस इंक्लूडिंग एंटी सरफेस शिप वॉर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग एंड एरिया सर्वेलेंस. स्कॉर्पियन इज अ कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन वेइंग 1,500 tons एंड कैन गो अप टू डेप्थ ऑफ 300 meters. तो वो ओशन में 300 meter की गहराइयों तक जा सकता है बिना कोई आवाज़ किए. तो अगर INS करंज किसी नेवल किसी और दुश्मन कंट्री के नेवल एरिया में अगर जाता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ श्योरिटी कि वो रडार में पकड़ा नहीं जाएगा. द स्कॉर्पियन क्लास इज द नेवीज फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन सीरीज इन ऑलमोस्ट 2 decades सिंस INS सिंधु शास्त्रा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रशिया इन जुलाई 2000. तो ये हमारा फ्रांस की इसमें मदद ले रहे हैं इसको बनाने के लिए. The Navy is looking to install air independent propulsion which is known as AIP modules on all the Scorpion submarines to enhance the endurance. तो अब देखिए अभी क्या करना पड़ता है कि कुछ देर बाद सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए. INS करंज ज़्यादा टाइम के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड वो वहाँ पे इन द ओशन डेप्थ में रह सकता है. तो ये एक हमारे लिए फ़ायदे की बात है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी. वो टॉपिक है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन और इसको बनाएगा कौन, रशिया एंड चाइना. देखिए लूनर का मतलब क्या है, चांद से जुड़ी हुई कोई बात होगी. तो चाइना के ऊपर इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन बनाने का काम करने वाले हैं कौन, रशिया और चाइना. सो चाइना एंड रशिया हैव अग्रीड टू बिल्ड इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन पॉसिबली ऑन द मून्स सरफेस मेकिंग द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा इन स्पेस कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. रशिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज़ अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सेटेलाइट इन द सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द लो अर्थ ऑर्बिट. रशिया ऑलरेडी उसका पार्ट है, चाइना उसका पार्ट नहीं है. नाउ व्हाट इज़ इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन. सो द ILRS इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड विथ द केपेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म ऑटोनोमस ऑपरेशन. द स्टेशन वुड बी बिल्ट ऑन द लूनर सरफेस एंड और द लूनर ऑर्बिट दैट वुड कैरी आउट साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज सच एज लूनर एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन, लूनर बेस्ड ऑब्जर्वेशन, बेसिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्निकल वेरिफिकेशन. तो क्या पर्पज़ है वो हमने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है. क्यों ये बनाया जाएगा कि लूनर ऑर्बिट में काफ़ी सारे लूनर सरफेस को लेकर, लूनर एटमोसफियर को लेकर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के साइंटिफिक रिसर्च किए जाएंगे. प्रिंसिपल क्या होगा, सो रशिया एंड चाइना विल एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ को कंसल्टेशन, जॉइंट कंस्ट्रक्शन एंड शेयर्ड बेनिफिट्स. ओके, तो उनके जो स्पेस साइंटिस्ट है वो आपस में मिलकर सारी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, साथ में मिलकर उसको वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे और जो भी बेनिफिट मिलेगा वो शेयर्ड बेनिफिट होगा. दे विल फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कोऑपरेशन इन द ILRS ओपन टू ऑल इंटरेस्टेड कंट्रीज एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स.
तो ये भी उसमें ऑप्शन रखा गया है कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में अगर कोई और कंट्री इसमें जुड़ना चाहता है इस प्रोजेक्ट में, तो वो इजीली जुड़ सकता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन विल स्ट्रेंथन द साइंटिफिक रिसर्च एक्सचेंजेस एंड प्रमोट ह्यूमैनिटीज एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पजेस। जब भी कोई कंट्री अगर स्पेस के लेवल में कुछ अच्छा काम करता है, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी। तो ये यहाँ का बेसिक गोल हमारे लिए रहेगा। और कौन से प्रोग्राम्स है, और कौन से कंट्री के प्रोग्राम्स है, इंडिया के क्या मून प्रोग्राम्स है, वो हम देखेंगे। सो नासाज आर्टिमिस मिशन, अर्लियर इन 2020 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ नासा पब्लिश्ड द आउटलाइन फॉर द आर्टिमिस प्रोग्राम विच प्लान्स टू सेंड द नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन टू द ल्यूनर सरफेस बाई द ईयर 2024। तो जो नासा का आर्टिमिस मिशन है, उसका गोल ये है कि अगले मेल एस्ट्रोनॉट और फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट को मून की सरफेस तक भेजा जाएगा बाई 2024। The gateway is an outpost around the moon to support human and scientific exploration in deep space. UAE ka Rashid mission bheja gaya hai. So the United Arab Emirates has decided to send the unmanned spacecraft named Rashid to the moon in 2024. Aur ek off topic main yahan pe cover kar leta hu, UAE ne recently successfully मार्स ऑर्बिट में अपना मार्स मिशन भेजा है, जिसको नाम दिया गया है होप मिशन। ओके, नाउ बैक टू द ट्रैक। चाइनाज चांगी 4 एंड चांगी 5 मिशन। सो चांगी 4 इज़ द फर्स्ट प्रोब एवर टू एक्सप्लोर द फार साइड ऑफ द मून बाई चाइना, जो कि अब तक पाइपलाइन में है, जो कि अब थोड़े समय में जाएगा। चांगी 5 मिशन विल सीक टू कलेक्ट ल्यूनर मटेरियल to help scientists understand more about the moon's origins and formation. तो चाइना मून के लिए दो मिशन भेज रहा है, चांगी 4 for far side of the moon exploration and चांगी 5 जो कि मून के ओरिजिन और फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेगा। इंडिया के क्या सिमिलर इनिशिएटिव्स है मून के लिए? सो वी ऑलरेडी नो चंद्रयान 2, अगर चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू रीच फार साइड ऑफ द मून। बट क्योंकि हम काफ़ी कम परसेंटेज से पहुँचते रह गए और हमारा चंद्रयान 2 पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सो हम भेजने वाले हैं चंद्रयान 2 विच विल बी द रेप्लीकेशन ऑफ चंद्रयान 2। इंडिया इज़ वर्किंग ऑन चंद्रयान 3 विच इज़ द सक्सेसर टू द चंद्रयान 2 मिशन एंड इट विल लाइकली अटेम्प्ट अनदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून सरफेस। स्पेस स्टेशन क्या है? सो इंडिया हैज़ सेट इट्स आई ऑन बिल्डिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट टू कंडक्ट माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस इन 5 to 7 ईयर्स। तो हो सकता है हमारा गोल है 2030 तक हमको अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में बनाना है, जहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट जाकर एक्सपेरिमेंट कर सके, एंड बेसिकली दोज एक्सपेरिमेंट्स विल बी रिलेटेड टू माइक्रो ग्रेविटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू, वी कैन से इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट, और वो है किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड। सो द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज ICAR रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमिबोल World Soil Day 2020 Award conferred by the Food and Agriculture Organization, Rome. Okay, this FAO is not from the United States. This is Food and Agricultural Organization, Rome. The award was announced on the eve of World Soil Day 2020, 5th December 2020, in the view of ICAR's excellent contributions in soil health awareness on the theme Stops Soil Erosion and Save the Future. तो ये जो थीम थी उसके ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिया गया है।
what is King Bhumi Bol World Soil Day Award? Launched in 2018, the King Bhumi Bol World Soil Day Award acknowledges individuals or institutions that raise public awareness of soils by organizing successful and influential World Soil Day event. तो अगर आप लोगों को बता सकते हो ज़मीन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसको कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए, तो आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है. ऐसे लोगों को ये अवार्ड रिकग्नाइज करेगा. द अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाई द किंगडम ऑफ थाईलैंड इज नेम्ड आफ्टर द किंग भूमि बोल अड्यूल्डेज ऑफ थाईलैंड फॉर हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट to raising awareness of the importance of sustainable soil management and rehabilitation for food security, poverty alleviation and more. तो क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी एक population है जो सीधी सीधी farming के साथ जुड़ी हुई है और सारे ही लोगों को food की ज़रूरत है. अगर basic जो issue है land erosion का या land के conservation का, उसको अगर solve कर दिया जाएगा तो काफ़ी सारी जो वर्ल्ड इश्यूज है, जो बर्निंग इश्यूज है, वो सॉल्व हो सकते हैं. और ये जो अवार्ड है किंग भूमि बोल जो अवार्ड है, उसको कौन स्पॉन्सर करता है? उसको स्पॉन्सर करता है किंगडम ऑफ थाईलैंड. तो उसी की वजह से उनके नाम पर ये भूमि बोल अवार्ड दिया जाता है. द फॉर्मर विनर्स ऑफ द अवार्ड इंक्लूड प्रैक्टिकल एक्शन इन बांग्लादेश इन 2018 एंड द कोस्टा रिकन सॉइल साइंस सोसाइटी इन 2019. और इंडियन जो विनर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इट इज़ द थर्ड विनर इन द पास्ट 3 years. ओके, क्योंकि 2018 से ही ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है. नाउ व्हाट इज़ ICAR? So it is an autonomous organization under the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It was established on 16th of July 1929 and was formerly known as the Imperial Council of Agricultural Research. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली. ओके, तो देखिए बेसिकली इसको किस काम के लिए बनाया गया था कि किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान कैसे अपनी उपज को बढ़ा सके, क्या क्या फसल उनको उगानी चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए, इनको ये सारी चीज़ों में सलाह देने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में किसानों की जगह क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर ICAR काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. ICAR इज़ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया. इन दिस कैपेसिटी ICAR ओवरसीज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, covering the whole country in the fields of horticulture, soil science, fisheries and animal sciences among others. So there are multiple branches under the same roof, jisko ICAR overlook karta hai, jisko ICAR manage karta hai in education sector as well and on ground as well. To isiliye ICAR itna bada kaam karta hai, itna influential kaam karta hai, aur isi wajah se ICAR ko ye award diya gaya hai. सॉइल डिग्रेडेशन का जो पॉइंट है उसके ऊपर ICAR ने काफ़ी अच्छा काम किया है. नाउ व्हाट इज़ सॉइल डिग्रेडेशन? सो सॉइल डिग्रेडेशन इज़ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिक्लाइन इन द सॉइल कंडीशन कॉज्ड बाय इट्स इम्प्रॉपर यूज और पुअर मैनेजमेंट, यूजुअली फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और अर्बन पर्पजेस. इट कैन बी द लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, decline in soil fertility and structural condition, erosion, adverse changes in salinity, acidity or alkalinity and the effects of toxic chemicals, pollutants and excessive flooding. तो देखिए जब soil erosion होगा या soil degradation होगा तो आप ढंग से फसल नहीं उगा पाओगे, soil की जो efficiency है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इससे जो नुकसान होगा वो देश की economy को होगा और basic नुकसान उस फसल उगाने वाले फार्मर को होगा. द सॉइल डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड टू मीट द कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन फॉर फूड, फोडर एंड फाइबर.
These processes in turn reduce agricultural productivity, leading to social insecurity. जब आप फसल ही नहीं उगाओगे इन द प्रॉपर वॉल्यूम, तो आप 130 करोड़ जितनी जनता को कैसे अपना खाना खिला पाओगे. एंड दैट्स वाई फार्मर की सिक्योरिटी, लैंड की सिक्योरिटी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है. एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टू द एटमोसफियर रिजल्टिंग इन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग कुड बी द मेजर रीजन फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन. वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल इरीगेशन कैनाल्स एंड फॉल्टी लैंड यूज लीड टू एक्सेलरेटेड सॉइल डिग्रेडेशन थ्रू सेलिनाइजेशन, फ्लडिंग, ड्रॉट, इरोजन एंड वॉटर लॉगिंग. तो ये सारी जो ह्यूमन इंटरफियरेंस हुआ है उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है. The other two causes of degradation due to the direct indirect human interventions are deforestation and removal of natural vegetation. ये समस्या की वजह से ना ओनली सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है बट ग्लोबल वार्मिंग जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे बर्निंग इश्यूज भी हमें पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं. ओवर गेजिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द वेजिटेशन फॉर डोमेस्टिक पर्पस. तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है. ओके, एंड दीज आर दी एरियाज वेयर जहाँ पे आपको सॉइल डिग्रेडेशन का जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा. ओके, सो देखिए जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस. और इसी तरह से इंडिया की जो ओवरऑल लैंड है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है. तो देखिए जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ रेड एंड येलो, राइट. तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलरली टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो कि है सोलर पावर प्लांट से जुड़ी हुई खबर. और ये खबर इसलिए ज़रूरी है, क्यों न्यूज़ में थी, बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. सो इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बाय जनरेशन कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 100 मेगावाट, इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC एट रामागुंडम इन पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना. तो आपको याद रखना है रामागुंडम पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में जनरेशन कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा. एंड दैट टू फ्लोटिंग पावर प्लांट, वो पानी पे तैरता हुआ पावर प्लांट होगा. द प्रोजेक्ट इज़ इन लाइन विद इंडियाज कमिटमेंट टू अटेन द टारगेट ऑफ 175 गीगावाट ऑफ द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022, इंक्लूडिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. तो देखिए ये हमारा 175 गीगावाट का एक काफ़ी प्रेस्टीजियस, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस पेरिस एग्रीमेंट के तहत काफ़ी सारे जो देश है वो इसको प्रेस कर चुके हैं. व्हाट इज़ फ्लोटिंग सोलर प्लांट, सो इट रिफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोटोवोल्टेइक पैनल्स. जो आजकल हमने देखा है कि घरों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाई जाती है उसको पानी में लगाया जाएगा एंड दैट विल बिकम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. सो इट रिफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोटोवोल्टेइक पैनल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज. दे आर अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू लैंड बेस्ड सोलर अरेज विथ एप्लीकेशन इन इंडिया. तो हो सकता है कि ज़मीन कोई और काम में आप ले सको, पानी पे जब ये पैनल्स लगा दी जाएगी तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकेगा. एक तो वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी और लैंड यूजेस जो होगा वो भी कम हो जाएगा. देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर रिजर्वियर्स इन द सदर्न रीजियन विच प्रोवाइड्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी इन द फ्लोटिंग सोलार मेथड. आने वाले टाइम में कौन से और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सो द थर्मल प्लांट एट रामागुंडम वुड बी वन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स बीइंग डेवलप्ड बाय NTPC विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 440 मेगावाट इन द सदर्न रीजन एंड द एंटायर कैपेसिटी वुड बी कमीशन्ड बाय मार्च 2023.
तो अभी के लिए 100 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाएगा, 2023 तक वो ले जाया जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी दैट विल बी 447 मेगावाट। द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स दैट आर लाइकली टू बी कमीशन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आर 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एट सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट नियर विशाखापट्टनम एंड 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एट कायमकुलम इन केरला। तो सदर्न रीजन में इसको सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड किया जाएगा। एडवांटेजेस क्या होंगे इससे? सो एड्रेस लैंड एक्विजिशन इश्यूज, जो कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन अधिकरण का जो इश्यू है वो इससे सॉल्व हो जाएगा। दी की चैलेंजेस दैट फेस रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट ओनर्स आर लैंड एक्विजिशन, ग्रिड कनेक्टिविटी, रेगुलेशंस एंड ऑफटेक। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स बैलेंस हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कंपीटिंग यूजेस फॉर अवेलेबल लैंड। द लैंड कैन बी अल्टरनेटिवली यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस सच एज फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप जब सोलर पैनल किसी लैंड पे लगा दोगे तो वो लैंड स्टक हो जाएगी, उसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। बट जब उसी सोलर पैनल को उठाकर जब फ्लोटिंग पैनल बनाई जाएगी तब क्या होगा, तब उस लैंड का आप इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए कर पाओगे। कूलिंग इफेक्ट, सो द बॉडीज ऑफ वाटर एक्सर्ट अ कूलिंग इफेक्ट विच इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स बाय 5-10%। अगर आपके घर की छत पर भी अगर आपने सोलर पैनल लगाई है तो आपको पता होगा कि डस्ट वगैरह साफ करने के लिए आपको उसके ऊपर रेगुलरली वाटर फ्लो चलाना पड़ेगा, वो सारी समस्या यहाँ पे नहीं होगी और वाटर पैनल जो होगी वो हमेशा ठंडी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पानी के एटमॉस्फेयर में है। ओवर टाइम दिस ट्रांसलेट्स इनटू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स, जो कूलिंग इफेक्ट में जो पैसा जाता था वो भी यहाँ पर क्या होगा, बचेगा। अदर एडवांटेजेस क्या है? सो रिड्यूस्ड ग्रिड इंटरकनेक्शन कॉस्ट्स, रिड्यूस्ड वाटर इवापोरेशन, इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी एंड रिड्यूस्ड आल्गल ब्लूमिंग। तो जो आल्गी जो जम जाती है नॉन फ्लोटिंग वाटर में, उससे भी बचने में यहाँ पे हमें मदद मिलेगी। तो ये बात हो गई हमारे सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलार प्लांट के बारे में। चैलेंजेस क्या क्या होंगे? तो एक पहला चैलेंजेस होगा इंक्रीज्ड कॉस्ट का। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स आर यूजुअली हायर देन दोज ऑफ अ ग्राउंड माउंटेड सोलार फार्म, क्योंकि उसको एक जगह पे रखना, उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वो इनिशियल लेवल पे थोड़ा महंगा होगा। सेफ्टी इश्यूज रहेंगे, सिंस फ्लोटिंग सोलर इन्वॉल्व्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोर कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू केबल मैनेजमेंट एंड इंसुलेशन टेस्टिंग देन ऑन लैंड, स्पेशली व्हेन केबल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब जब सोलार पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, वो पानी से होती हुई पावर प्लांट तक, नेशनल ग्रिड तक जोड़ी जाएगी, तो उसको कैसे एड्रेस करना है वो हमें यहाँ पे देखना होगा। डिग्रेडेशन एंड कोरोजन, सो अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैज़ मूविंग पार्ट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। सिस्टम दैट आर पुअरली डिजाइन एंड मेंटेन्ड कुड सफर फ्रॉम अ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स। The installation is at risk of degradation and corrosion due to moisture, especially in more aggressive coastal environments. Understanding of waterbed topography, so developing floating solar projects requires a thorough understanding of waterbed topography and its suitability for setting up anchors and floats. तो किस तरह से पानी में structure बनाया जाएगा, पानी की क्या क्या साल दरमियान वो कंडीशन रहती है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, वो इंजीनियरिंग पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर हम सक्सेसफुल सोलार पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट किसी भी रिजर्वियर में या किसी भी रिवर में हम लोग बना पाएंगे। उस रिजर्वियर को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी एक प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। ओके, तो अब जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लेड डाउन ऑल काइंड ऑफ सर्वेज, ऑल काइंड ऑफ स्टडीज़, और उसी के बाद ये चीज़ डिसाइड की गई है। अदर सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स क्या है इंडिया की तरफ से? तो पहला जो है दैट इज़ नेशनल सोलार मिशन। सोलर एनर्जी हैज़ टेकन अ सेंट्रल प्लेस इन इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज,
with the National Solar Mission as one of the key missions. INDC का target क्या है? तो it targets installing 100 gigawatt grid connected solar power plants by the year 2022. This is in line with India's intended nationally determined contributions target to achieve about 40% of cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources and to reduce the emission intensity of its GDP by 33-35% from 2005 level by 2030. तो वी ऑलरेडी नो, अब अगर आप आपके घर पे छत पर जाओगे, चाहे आप किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी गांव में रह रहे हो, आपकी घर की छत पर जाकर देखिएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी का फ़ायदा उठाकर मल्टीपल हाउस होल्ड में छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दी गई है। जब सोलर पैनल लगा दी जाएगी तो उसको, उस सोलर पैनल को सीधा सीधा आपकी नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, उनको उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बाय ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, उसको ज़्यादा दामों में बेचा जाएगा। लॉन्च ऑफ ISA, दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सो द लॉन्च ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज अनाउंस्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and the President of France in 2015 at the 21st session of the United Nations Climate Change Conference of the parties in Paris, France. Or as of now, as of March 2021, India is the President of ISA and France is the Vice President of the ISA. Government schemes, so such as solar park schemes, canal bank and canal top scheme, building scheme, grid connected solar rooftop scheme, etc. तो ये सारे काम government successfully पिछले कई सालों से कर रही है। One sun, one world, one grid. So India has an ambitious cross-border power grid plan, one sun, one world and one grid, that seeks to transfer solar power generated in one region to feed the electricity demands of others. अब देखिए कितना ambitious program है। अगर India solar power से ज़्यादा electricity produce करता है तो India उसको Bangladesh या Pakistan या Sri Lanka को easily उसको transfer कर सकता है। That scheme is known as one sun, one world, one grid. What is NTPC, National Thermal Power Corporation Limited? So NTPC Limited is a central public sector undertaking under the Ministry of Power. It is India's largest energy conglomerate with roots planted way back in 1975 to accelerate power development in India. It aims to provide reliable power and related solutions in an economical, efficient and environment friendly manner driven by innovation and agility. It became a Maharatna company in 2010. It is located in New Delhi. कई जगह आपको NTPC के प्लांट दिख जाएंगे, उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव एन्जॉयड द लेक्चर एंड यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी बिट ऑफ द लेक्चर। अगर कोई डाउट है, जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल गेट योर डाउट सॉल्व्ड। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ,